दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर और अभी हम पहुंच चुके हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर के प्रसिद्ध मंदिर झारखंड महादेव। अभी हम मंदिर परिसर के अंदर हैं और यहां की स्थिति, यहां का दृश्य अगर हम आपको दिखाएं तो काफी लुभावना है। काफी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए, काफी खुश है और भोले बाबा के जयकारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद है और काफी लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु लगे हैं और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है, शिवरात्रि है, पूरे देश में शिवरात्रि का महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है और आज जयपुर के प्रसिद्ध मंदिर झारखंड महादेव में भी श्रद्धालुओं का काफी तांता दिखाई दे रहा है। काफी श्रद्धा है लोगों में, सुबह से ही लोग यहां पर लाइनों में लगे हैं और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। शिव और शक्ति की आराधना का पर्व महाशिवरात्रि पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में महाशिवरात्रि पर्व की धूम देखने को मिल रही है। वहीं छोटी काशी में स्थित झारखंड महादेव मंदिर में भी महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। झारखंड महादेव मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया। यहां भगवान भोलेनाथ के दर्शन और उनका अभिषेक करने के लिए मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी नजर आई। आपको बता दें, झारखंड महादेव मंदिर बना तो जयपुर में है, लेकिन उसका नाम झारखंड महादेव मंदिर है। बताया जाता है पहले यहाँ जंगल हुआ करता था जिसे पेड़ों का झाड़ बोलते हैं और इन्हीं झाड़ के बीच एक खंड बना दिया गया, इसीलिए इसे झारखंड नाम दिया गया। ये करीब 100 साल पुराना मंदिर है, जबकि झारखंड राज्य तो वर्ष 2000 में बना है। वहीं इस मंदिर में समिति की ओर से विशेष व्यवस्था आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई, जिसके चलते श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ की पूजा क्रमबद्ध तरीके से की। साथ ही मंदिर में समिति की ओर से विशेष इंतजाम किए गए, जिसके बाद यहां के सदस्य ने बताया कि अभी हमारे साथ यहां पर मौजूद है झारखंड महादेव सेवा समिति के सदस्य, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, सुबह से ही भक्तों की काफी ज्यादा भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है, तो क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? यहाँ सारी व्यवस्था की गई है, लाइन की व्यवस्था है, अंदर जो भी जल चलाने की व्यवस्था है वो सारी हमारी झारखंड भगत मंडी सेवा समिति की व्यवस्था है और लाइन में जो भी आदमी है उनके लिए पानी की पूरी व्यवस्था कर रखी है और मंदिर ट्रस्ट की तरफ से पूरी व्यवस्था अंदर। सर, ये कब तक दर्शन के लिए, आज ये पूरी रात? ये 4 बजे तक जल चढ़ेगा और दर्शन रात को 12 बजे तक होंगे। जैसे कि हम सर यहाँ पर लोगों की भीड़ देख पा रहे, काफी लंबी लाइन है और काफी पीछे से स्टार्ट हो चुकी है, तो क्या लगता है 4 बजे तक ये भीड़ समाप्त हो जाएगी और जो श्रद्धालु बच जाएंगे तो उनके लिए क्या बंद हो जाएगा? ओनली दर्शन होंगे उनके लिए और 4 बजे जल चढ़ जाएगा, उसके बाद मंदिर में श्रृंगार होगा बाबा का। श्रृंगार होने के बाद में दर्शन चालू हो जाएंगे। दर्शन चालू हो, तो जो दोबारा दर्शन चालू कब से होंगे? वो 4 बजे बाद। 4 बजे के बाद मंदिरों और शिवालय में दिन भर बम बम भोले, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव के जय घोष के नारे लगते रहे। मंदिरों में सुबह 4 बजे से भगवान शिव की पूजा अर्चना शुरू हो गई। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को जल अर्पित करने पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने बताया कि मंदिर में लंबी लंबी लाइनों के बावजूद भी वो भगवान को जल अर्पित किए बिना नहीं जाते। श्रद्धालुओं ने बताया यहाँ का प्राकृतिक वातावरण भी आत्मा को शांति देने वाला है। भगवान शिव को जल अर्पित करने पहुंचे शिव भक्तों ने बताया कि भगवान शिव को जल अर्पित करने के बाद हमारी आत्मा को शांति मिलती है, दिल को सुकून मिलता है। जयपुर के प्रसिद्ध मंदिर झारखंड महादेव मंदिर में अभी हम मौजूद हैं। काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर माथा टेकने पहुँचे हैं और यहाँ भी हमारे साथ यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीके टाइम्स न्यूज में। मैम कहाँ से आए? हाथीपुरा से। यहाँ के लोकल युवा आप? कैसा लग रहा है मैम, आज शिवरात्रि है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मन को सुकून मिल जाता है, मन को सुकून। आज शिवरात्रि का पर्व है, कैसा लग रहा है पूजा अर्चना करके? आज शिव भगवान का लाइन में लगे हुए जब जाके नंबर 2 घंटे से आप लाइन में लगने के बाद आपकी बारी कितने बजे से लगी? 11:15 2 बजे लगातार लाइन में लगने के बाद इन्होंने महादेव की पूजा की। आप बताइए मैम, भगवान को
भगवान के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आज शिवरात्रि का पर्व है और किस विधि विधान से आज आपने पूजा की? आज विशेष पूजा की जाती है महादेव की, आप बताइए। आज हमने बहुत विधि विधान से भगवान की पूजा की है, सुबह से की है, 4 बजे से। 4 बजे से? हाँ। लंबी लंबी कतारों में भक्तों की लाइनें लगी हैं। भक्त सुबह से ही यहाँ पर महादेव के दर्शन के लिए पहुँच चुके हैं और लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पीके टाइम्स न्यूज नेटवर्क में। सर कब से लाइनों में लगे हो? आधा घंटा हो गया। आधे घंटे से लगे हो? कहाँ से हो आप? शास्त्री नगर जयपुर। यहाँ से स्थानीय हो आप? हर रोज आते हो पूजा अर्चना के लिए कि आज स्पेशल आए? नहीं, वैसे तो कभी साल में तीन चार बार आते हो। और आज कैसा लग रहा है आप बताइए सर? मेरी सिस्टर पहली बार आया, मैं हुई नहीं जयपुर। अच्छा, पहली बार आए हो, कहाँ से हो आप? वो तो जयपुर से बताया पहली बार। क्या मांगने वाले हो आज महादेव से? कुछ मांगने थोड़ी आते हैं। श्रद्धा है, ठीक है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका पीके टाइम्स न्यूज में। कहाँ से आए हो आप? मैं कालवार रोड से। कब से लगे हो लाइन? जस्ट अभी आई हूँ मैं तो। अभी आई हूँ। हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है कब तक आएगी आपकी बारी? आधा घंटा, एक घंटा। आधा घंटा, पहली बार आ रहे हैं? हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है।